भोजपुरी इंडस्ट्री में आज एक फिर फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ और अब हम करने जा रहे हैं उस फिल्म का ट्रेलर रिव्यू। फिल्म है लल्लू की लैला, प्रोड्यूसर है रत्नाकर कुमार और भाई बैनर है वर्ल्ड वाइड। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि क्या है फिल्म का ट्रेलर। तो फिल्म का ट्रेलर हमेशा की तरह जैसे भोजपुरी फिल्मों में फिल्म का ट्रेलर काफ़ी शानदार और जानदार होता है, क्योंकि फिल्म का ट्रेलर ही डिसाइड करता है कि फिल्म सक्सेस होगी या अनसक्सेस। वैसे ये कई मरतबा देखा गया है कि फिल्म का ट्रेलर जितना दमदार होता है फिल्म उतनी ही डब्बा साबित होती है। लेकिन ये फिल्म भाई मिक्सचर है, निरहुआ हिंदुस्तानी 1, निरहुआ हिंदुस्तानी 2, निरहुआ हिंदुस्तानी 3 और एक मर्डर मिस्ट्री की। जी हाँ, निरहुआ की जितनी सीरीज आपने देखी होगी आप हंस हंस के लोटपोट हो जाते होंगे और इस फिल्म में भी आप निरहुआ का एक कॉमिक अंदाज ही देखेंगे, लेकिन मर्डर मिस्ट्री के साथ। वैसे भाई काबिले तारीफ है दिनेश लाल यादव निरहुआ की एक्टिंग, बार बार देखो और आप बार बार बोर भी नहीं होते। जी हाँ, कई मर्तबा कई फिल्मों में आपने निरहुआ के ऐसे कई एक्सप्रेशन देखे होंगे, लेकिन आप इस फिल्म में भी वही देखेंगे, बोर नहीं होंगे। आपको कुछ अलग सा फील जरूर होगा, लेकिन है सब कुछ वही। बात अब आम्रपाली की हो जाए, अपनी हर फिल्मों से ज़्यादा कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं आम्रपाली इस फिल्म में। काफ़ी फिट हैं और उनकी फिटनेस की वजह से ही उनकी खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। आपको बता दें, इस फिल्म में आम्रपाली निरहुआ की गर्लफ्रेंड बनी हुई हैं, उनकी प्रेमिका का किरदार निभा रही हैं, एक ऐसी प्रेमिका का किरदार जो लल्लू से शादी नहीं करना चाहती और भरे महफिल में उसकी बेइज्जती कर देती है। इस पर लल्लू की माँ तिलमिला जाती है और कहती है कि वो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी बहू ढूंढकर उसके लिए लाएगी। और तब एंट्री होती है फिल्म में फिल्म की दूसरी हीरोइन हॉट बॉम्बशेल, और धीरे धीरे ही सही भोजपुरिया दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाती यामिनी सिंह की। जी हाँ, इस फिल्म में यामिनी सिंह काफ़ी सेक्सी और अट्रैक्टिव लग रही हैं। वो किरदार निभा रही हैं एक एक्ट्रेस का और यामिनी धीरे धीरे ही सही भोजपुरी इंडस्ट्री में घुलती मिलती जा रही हैं। बात हो जाए फिल्म के कॉमेडी सीन की तो काबिले तारीफ है, गाने भी अच्छे हैं, क्योंकि जैसा कि भोजपुरी में गानों के लिए फिल्में जानी जाती है, ये फिल्म ही गानों के लिए जानी जाएगी। लोकेशन काफ़ी बेहतरीन है, प्रोड्यूसर ने जम के पैसा खर्च किया है, खर्च करने में कोई कमी नहीं की है। लेकिन अगर आप सिनेमा घरों में जाएंगे तो अगर आप ये सोचेंगे कि आपको कुछ फ्रेशनेस देखने को मिलेगी, तो सिर्फ ये फ्रेशनेस देखने को मिलेगी कि फिल्म में एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें निरहुआ को फंसाया जाता है। अब फिल्म का हीरो लल्लू किस तरह अपने आप को निर्दोष साबित करता है, फिल्म की कहानी आपको थिएटर में जाके ही पता चलेगी। लेकिन हाँ, आपको ये कह सकते हैं कि अगर आप निरहुआ, आम्रपाली, यामिनी सिंह, संजय पांडे जैसे कई मजे हुए कलाकारों के फैन हैं, तो भाई आप ये फिल्म थिएटर में जाके देखिए, फिलहाल इंजॉय कीजिए फिल्म का ट्रेलर जो काफ़ी अच्छा यूट्यूब पे रन कर रहा है। और अगर आपने अभी तक फिल्म का ट्रेलर नहीं देखा है तो वर्ल्ड वाइड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाइए और आप फिल्म का ट्रेलर अभी देखिए। तो चलते हैं, रुकते हैं, जाते जाते आपको बता जाते हैं कि हमने इस फिल्म को कितने स्टार दिए। हमने इस फिल्म के ट्रेलर को 5 में से 3 स्टार दिए हैं, सिर्फ निरहुआ की एक्टिंग के लिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना।